जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। जितना गुस्सा देश की जनता में उतना ही गुस्सा देश की सेना में भी है। देश की 125 करोड़ जनता सेना के साथ खड़ी है। सब यही कह रहे हैं कि हम भूलेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान परस्त आतंकियों की काराना हरकत के बाद देश उबल रहा है। 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश का खून खौल उठा है। आतंकियों की हैवानियत के खिलाफ देश में गुस्सा है। जिसने भी पुलवामा की इन तस्वीरों को देखा वो उबल रहा है। जिसने भी आतंक के इस चेहरे को देखा वो यही कह रहा है कि अब की बार करो सीमा पार। पुलवामा में आतंकियों ने जो हमला किया है उससे हर भारतीय आक्रोश में है। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई अपने पिता की शहादत का बदला लेने की बात कर रहा है, तो कोई अपने बेटे के बलिदान का बदला लेने की मांग कर रहा है, तो कोई अपने सुहाग को उजाड़ने वालों से हिसाब किताब चुकता करने की मांग कर रहा है। पूरे देश में इस आतंकी वारदात के बाद गुस्सा है। हर कोई यही कह रहा है कि अब बात से नहीं बनेगी बात, अब किसी भी हाल में आतंकियों को बख्शा नहीं जाए। अभी आए थे तो भूल गए थे ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो चाहिए, रक्षा मंत्री को चाहिए कि उड़ाई दे एक बार, नौ अच्छा जो हो नौ खत्म कर दे, पाकिस्तान के नामे मिटा दे। आतंकियों की इस काराना हरकत के बाद देश भर में पुतले फूके जा रहे हैं। हर जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे देश की जनता यही कह रही है कि अब निंदा नहीं चाहिए, एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए। भारत सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। ये एक सेना पे हमला नहीं है, पूरे भारत पे हमला है, और इस पर अगर कदम नहीं उठाया गया तो आगे और नुकसान इसमें हो सकता है। और इसमें जितने आतंकवाद हैं, आतंकवादियों को पूरे जड़ से सफाया होना चाहिए। और कश्मीर हमारा था, हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस तरह से आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटक के साथ हमारे जवानों का लहू बहाया, पीठ पीछे से वार किया, शवों को शत विक्षत किया, देश की जनता भी चाहती है कि जब तक आतंक का अंत न हो जाए तब तक देश की सेना न रुके, न डिगे और न ही डरे। आतंकियों ने एक तरह से भारत पर हमला किया है, हमारी सेना को चुनौती दी है। इसका करारा जवाब अब देना ही होगा। अगर हम अभी चूक गए तो आतंकी बार बार यूं ही हमले करते रहेंगे। जिस तिरंगे की शान की खातिर भारत के सपूतों ने शहादत दी उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बलिदान का बदला हर हाल में लेना ही होगा। एपीएन की तरफ से शहीदों को आखिरी सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।